यानी कि भरत और उसकी माँ केकई के बीच में एक सवाल जवाब की रागनी, अगर आप सबकी तरफ से आदेश हो तो सवाल जवाब की रागनी प्रस्तुत कर दे। इस किस्से की रागनी है, आइए कैसे बनता है। चलिए, माँ केकई के चरणों में प्रणाम। तुम्हारा प्रणाम स्वीकार है बेटा। हे माता, हाँ। आज हमारी दो माता और आपके साथ में नजर नहीं आ रही, आज पिता भी दिखाई नहीं दे रहे, गुरु वशिष्ठ मुनि भी यहाँ पर नहीं दिखाई दिए, और हमारे राम और लक्ष्मण भाई कहाँ हैं? ये समय इन बातों को पूछने का नहीं है। क्यों? मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ बेटा। आज मुझे अपनी अयोध्या नगरी के अंदर सूनापन महसूस हो रहा है, उदासी दिखाई दे रही है, मायूसी दिखाई दे रही है, यहाँ की रौनक रूहानी खत्म दिखाई दे रही है। माता, आखिर बात क्या है? तुम इन बातों पे गौर मत दो बेटा। क्यों? मेरी बातों पे गौर दो। आज वो दिन आ गया बेटा जिस दिन का मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। आपको इंतजार था? हाँ। वो दिन आ गया। और जो तेरे रास्ते में काटे थे उन सारे कांटों को मैंने साफ कर दिया है, अब तेरा रास्ता बिल्कुल साफ है बेटा। हे माँ, ऐसे कौन से दिन का आपको इंतजार था कि उस दिन को आने से आपको खुशी और इस अयोध्या नगरी के अंदर शोक हो गया? आज मुझे बहुत खुशी है। आ बेटा, तुझसे प्यार करूंगी, तेरे लाड लड़ाऊंगी। लेकिन माँ, हाँ। पहले मैंने जो सवाल किए, मैंने भाई और पिता के बारे में पूछा, उनके बारे में आपने नहीं बताया। वो भी बताऊंगी। अच्छा, हाँ। लेकिन माता, मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्या पूछना चाहते हो? अपने पिता के बारे में? हाँ पिता, मुझे महाराज दशरथ दिखाई नहीं दे रहे मेरे पिता। तुम अपने पिता के बारे में पूछ रहे हो तो मैं बता ही देती हूँ, तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे बेटा। क्या कह रही हो माता? मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे? नहीं रहे। और मेरे भाई राम और मेरे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं? तुम्हारे भाई राम और लक्ष्मण और तुम्हारी भाभी सीता ये 14 वर्ष के लिए वनवास गए हैं। हे माता, मेरे भाई राम लक्ष्मण और सीता भाभी वो वनवास पे गए? हाँ। और पिता स्वर्ग सिधार गए? हाँ। आखिर ऐसा हुआ क्यों? मेरे वचन के कारण ये सब हुआ। आखिर आपने ऐसा कौन सा वचन मांगा माता? तेरे लिए राजगद्दी मांगी, ये राजपाट सब कुछ तेरे लिए मांगा। मेरा एक वचन उधार था राजा दशरथ पे, मैंने कहा कि हे प्राणनाथ मेरा वचन दे दीजिए, और मेरा वचन ये होगा कि मेरे भरत को ये राजपाट सौंप दीजिए, राजगद्दी का राजा बना दीजिए, और अपने पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए। हे माता, तूने मेरे उस भाई को वनवास करवा दिया जिस राम में मेरी आत्मा वास करती है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इस दुनिया में कोई भी माँ ऐसी नहीं है जो अपने पुत्र के मोह में नहीं मरती। तुम्हारे इसी वचन को पूरा करने के कारण ही शायद पिता का स्वर्ग वास हुआ है। तू माँ नहीं, तू हत्यारी है। ऐसा मत कह बेटा। तू पापण है। ये सब मेरी नजरों के सामने से दूर हट जा। नहीं, ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया है बेटा। मुझे नहीं चाहिए ये राजपाट, मेरे उन भाइयों को तुमने वनवास करवा दिया। माता, बहुत गलत किया है आपने। कोई भाई किसी का नहीं है इस दुनिया में बेटा, मेरी बात मान। नहीं, मैं आपकी बात स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन सुन मेरी बात। कही हे रे आ बेटा, तेरे लाड़ लड़ाऊं, जी भर कर लियो प्यार तने, चली जा। हाँ। जीते जी दिया मार तने। अच्छा? मैं जीते जी दिया मार तने। अरे आ बेटा, तेरे लाड़ लड़ाऊं, बेटा
बाणी फिरे से सत्संगी, बाणी फिरे से सत्संगी। जुलम गुजारे क्या डुबो दिया बेड़ा जंगी, डुबो दिया बेड़ा जंगी। अरे जंग बाद में झोले ना रे, जंग बाद में झोले ना, आ पहलम तू पुचकार तने, पुचकार तने। अरे लालच में तू लालच में अंधी होगी, यो महारानी थी महारानी धिक्कार तने। आ बेटा तेरे लाड लड़ाऊं, आ बेटा तेरे लाड लड़ाऊं, जी भर कर लो प्यार तने, तेरे प्यार तने। बेटे खानी डाल चली जा, जीते जी दिया मार तने, जीते जी दिया मार तने।
चली जा। जीते जी दिया मार तने, जीते जी दिया मार तने। मेरा पिता खालिया डाण तने, मेरा पिता खालिया डाण तने। मेरे प्राण जाए पर वचन न जाए, बहुत दिए परमान तने, परमान तने। हाँ रघुवंश में, अरे रघुवंश में दाग लगे, ऐसे क्यों मांगे वरदान तने, क्यों मांगे वरदान तने। सभी अधिकार तने, अच्छा खो दिए सभी अधिकार तने। जीते जी दिया मार तने, जीते जी दिया मार।